This is Dr. Swapn and you're watching my YouTube channel Dental Expertise. And as I told you, in this series, in OPSC dental exam paper, there will be 8 parts. So I'm going to discuss part 5. So without further ado, let's get started. Initiation of tooth formation occurs at first week of postnatal life, second week of intrauterine life, 6th week of intrauterine life, 6th month of intrauterine life. Here's the explanation. So जो tooth formation है वो कब start होता है? Intrauterine life में 6 week में, okay? तो ये कहलाती है initiation stage. Second stage होती है dental lamina stage formation. ये start होती है 7 week से. Next होती है birth stage, जो कि start होती है 8 week से. Cap stage, जो कि 10 to 12 week से start होती है. Then early bell stage, 14 week से start होती है. Then advanced bell stage 18 weeks hai, and after that root sheath and start of root formation. When root formation will complete and it continues along with the periodontal ligament and alveolar bone. So the correct answer is 6th week of intrauterine life. Initiation of root formation occurs at 6th week of intrauterine life. A supernumerary tooth result from deviation during apposition, morphodifferentiation, initiation or histodifferentiation. तो जो supernumerary teeth होता क्या है? It is an extra tooth which is develops beyond the normal number of tooth. Okay? And ये कब मिलता है? It typically occurs during the process of initiation. Okay? When the tooth germ is formed. So the correct answer would be initiation. A supernumerary tooth result from deviation during initiation. Okay? Most accepted theory of dentinal hypersensitivity: direct stimulation theory, fluid hydrodynamic theory, nerve transduction theory or functional matrix theory. तो ये मैंने आपको theories बताई हुई है dentinal hypersensitivity की. तो एक होती है neural theory, जिसमें होता है dentine is innervated directly. Okay? Next होती है transduction theory, जिसमें odontoblast जो है वो act करती है as a receptor. And third one is फ्लूड हाइड्रोडाइनमिक थ्योरी. तो उसमें क्या होते हैं, रिसेप्टर्स जो हैं वो कहाँ होते हैं, पल्प में, एंड स्टिमुलेटेड बाय द फ्लूड मूवमेंट थ्रू द ट्यूब्यूल्स. ओके, सो द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ डेंटाइनल हाइपर सेंसिटिविटी इज फ्लूड हाइड्रोडाइनमिक थ्योरी. पल्प हॉर्न्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी एक्सपोज इन क्लास टू कैविटी. क्लास टू कैविटी में कौन सा पल्प हॉर्न सबसे पहले मोस्टली जो है एक्सपोज हो जाता है? मीजियोफेशियल अपर मोलार, मीजियोलिंगुअल लोअर मोलार, फेशियल ऑफ मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलार, लिंगुअल ऑफ मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलार. तो क्लास टू कैविटी में क्या होता है कि क्लास टू कैविटी में कैविटी दैट इन्वॉल्व द प्रॉक्सिमल सर्फेस ऑफ पोस्टीरियर टीथ, उसमें से कौन से आएंगे, मोलार्स एंड प्रीमोलार्स. बट पल्प हम की अगर बात कर रहे हैं अपन, तो कौन से पहले एक्सपोज होंगे, फेशियल ऑफ द मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोला. सो द करेक्ट आंसर वुड बी फेशियल ऑफ मैंडिबुलर एंड फर्स्ट मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलास पल्प हॉर्न इज मोस्ट लाइकली टू बी एक्सपोज इन क्लास टू कैविटी. एसेसरी कैनाल्स आर कॉमनली सीन इन फर्केशन, एपाइकल थर्ड, मिडिल थर्ड और सर्वाइकल थर्ड. तो एसेसरी कैनाल्स जो होती हैं वो कहाँ से निकलती है, रूट कैनाल से निकलती है. मोस्ट कॉमनली कहाँ पर दिखाई देती है, ये एपाइकल थर्ड में. ओके, एंड में वो बाइफर्केशन एंड ट्राइफर्केशन एरिया में भी दिखेंगे आपको, बट मोस्टली कहाँ दिखेंगे, अपाइकल थर्ड में. ओके, सो द करेक्ट आंसर वुड बी एसेसरी कैनाल्स आर कॉमनली सीन इन अपाइकल थर्ड. शैलो फरोज ऑन द इनेमल सरफेस वेयर्स ट्राई ऑफ रेडजियस एंड आर कॉल्ड. तो शैलो फरोज जो होती है इनेमल सरफेस में, इनेमल सरफेस में जो शैलो फरोज होते हैं जो, तो उसमें जो स्ट्राई ऑफ रेडजियस हैं वो कहाँ एंड होती हैं, क्रैक्स, पेलिकल, पेरिकाइमेटा और इनेमल लैमेली. तो इंक्रीमेंटल लाइंस होती है, स्ट्राई ऑफ रेडजियस होती क्या है, ये इंक्रीमेंटल लाइंस होती हैं ग्रोथ की. एंड ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, डेंटो इनेमल जंक्शन से टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनेमल. और जहाँ पर यह एंड होती हैं, जिस शैलो फॉर्म में वो एंड होती हैं, उसे कहते हैं पेरिकाइमेटा. ओके, तो शैलो फरोज ऑन द इनेमल सरफेस वेयर स्ट्राई ऑफ रेडजियस एंड आर कॉल्ड पेरिकाइमेटा. रीड द एंट्री टू बैक्टीरिया फॉर इनिशिएशन ऑफ कैरीज.
enamel lamellae, enamel tuft, enamel spindles और gnarled enamel. तो enamel tufts जो होते हैं ये small होते हैं, hypomineralized area होते हैं of enamel के, okay? And at the enamel located at the dentino enamel junction. और ये जो area होते हैं ये entry point होते हैं for the bacteria. And they make them susceptible site for the initiation of caries. Okay? So entry of bacteria के लिए क्या enamel tuft जो है वो होगा entry for the bacteria for initiation of caries. The dentinal end and of ameloblast can be regarded as proximal side, distal side, mesial side or none of these. तो the dentinal end of the ameloblast जिसे क्या कहा जाता है, एट विच एनामल्स फॉर्म्ड, जहाँ पे एनामल फॉर्म हो रहा है उसे कहते हैं डिस्टल साइड, ओके, या फिर बोलते हैं फॉर्मर बेसल. एंड द एपाइकल एंड फेसिंग द स्ट्रेटम इंटरमीडियम इज कॉल्ड बेसल और प्रॉक्सिमल. तो ये आपको दोनों याद रखना है कि जब अमीलोब्लास्ट में जो डेंटाइनल एंड होता है वहाँ जहाँ पे एनामल फॉर्म हो रहा है उसे कहते हैं डिस्टल साइड, एंड द एपाइकल एंड जो कि फेस कर रहा है स्ट्रेटम इंटरमीडियम उसे बोलते हैं बेसल और प्रॉक्सिमल. ओके, so the correct answer for this question is distal side. The dentinal end of ameloblast can be regarded as distal side. Trauma or excessive occlusal forces causes cementum, hypoplasia, hyperplasia, resorption or aplasia. And the correct answer is resorption. Trauma or excessive occlusal forces causes cementum, resorption. Okay. Vermilion border of lip is orthokeratinized, parakeratinized, non-keratinized, shows individual variation. तो vermilion border of the lip जो है ये continuously क्या होती है, thin skin होती है of the lip, okay? And it is covered by the modified skin characterized by transparent epithelium, okay? और ये किससे बनी होती है, stratified squamous non-keratinized epithelium से, okay? Without hair follicles. तो यहाँ पे वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप किससे बनी होती है, नॉन स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम से, ओके. एंड इट इज डीपली एंड वास्कुलर डर्मल पैपिले होते हैं वहाँ पे इन द लिप मार्जिन, ओके, एंड हाईली सप्लाइड विद द नर्व्स. स्ट्रॉबेरी जिंजिवाइटिस इज सीन इन वैगिनस ग्रेनिलोमेटोसिस, प्लाज्मा सेल जिंजिवाइटिस, ल्यूकेमिक जिंजिवाइटिस और सिक्का सिंड्रोम. तो जो स्ट्रॉबेरी जिंजिवाइटिस है वो किस में दिखाई देती है, वैगिनस ग्रेनिलोमेटोसिस में, ओके. तो ये हाइपरप्लास्टिक जिंजाइवल लीजन्स होते हैं या इन्हें स्ट्रॉबेरी जिंजिवाइटिस भी कहते हैं, एंड इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ वैगिनस ग्रेनिलोमेटोसिस, ओके. ट्यूबुलर और कैनालिकुलर एडिनोमा अकर्स इन अपर लिप, पैलेट, लोअर लिप और जिंजाइवा. तो जो कैनालिकुलर एडिनोमा होता है इट इज़ अ ट्यूमर ऑफ माइनर सलाइवरी ग्लैंड एंड मोस्ट कॉमनली इट इज़ अकर इन अपर लिप. कितने 80% मतलब इसमें होता है जो अपर लिप में प्रेजेंट होता है ये कैनालिकुलर एडिनोमा, ओके. एंड द बकल म्यूकोसा एंड रेयरली द पैलेट एंड अदर साइड, ओके. तो मोस्ट कॉमनली 80% कहाँ होगा, अपर लिप में, ओके. हर्पेटिक विटलो सीन इन फिंगर्स, पैनिस, स्क्रोटम और टंग. तो हर्पेटिक विटलोस अकर्स फ्रॉम द हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से होता है और ये कहाँ शो होता है, फिंगर्स में दिखाई देता है, ओके. पेरिमोलाइसिस इज टूथ वेयर ड्यू टू गैस्ट्रिक सिक्रीशन, टूथ एब्रेजन ड्यू टू ग्राइंडिंग, टूथ वेयर ड्यू टू सेल डिस्ट्रक्शन, टूथ वेयर इन कारपेंटर्स. तो जो इंट्रिंसिक डेंटल इरोजन होता है जैसे कि पेरिमोलाइसिस भी कहते हैं, ये एक प्रोसेस होती है जो जिसमें कि गैस्ट्रिक एसिड फ्रॉम द स्टमक कम्स इनटू कांटेक्ट विद द टीथ. जो गैस्ट्रिक एसिड है स्टमक से वो कहाँ तक आ जाता है, टीथ तक आ जाता है. एंड दिस ऑफन सेकेंडरी टू कंडीशन सच एज गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज, और ये किस में दिखता है, GERD में, ओके. और द ईटिंग डिसऑर्डर बुलीमिया नर्वोसा, बुलीमिया नर्वोसा में भी ये दिखाई देता है, ओके. तो इसमें क्या इसके फीचर्स होते हैं, मेन पेशेंट विद बुलीमिया एंड सम पेशेंट्स विद एनोरेक्सिया नर्वोसा इंगेज इज सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग होती है, ओके. तो इसमें क्या होता है कि गैस्ट्रिक एसिड जो है उस स्टमक से टीथ तक आ जाता है जिसे क्या कहा जाता है, पेरिमोलाइसिस. सो द करेक्ट आंसर इज पेरिमोलाइसिस इज टूथ वियर ड्यू टू गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ओके.
isotope in enamel used for the age estimation is strontium 84, iodine 131, carbon 14 or phosphorus 32. And the correct answer is carbon 14. तो carbon 14 जो है वो use करते हैं for the age estimation के लिए. ये आप भी यहाँ पर मैंने आपको characteristic भी show किए हुए हैं. मैंडिबुलो कैरेक्टरिस्टिक यूजफुल इन एजिंग की बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं इन्फेंसी में एडल्ट में एंड ओल्डर एज में. ओके बॉडी रैमस मेंटल फोरामेन और कॉन्डाइल में. तो आप ये एक बार रीड कर सकते हैं ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे आंसर कर सकें. ओके एंड करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कार्बन 14 आइसोटोप इन एनेमल यूज फॉर द एज एस्टिमेशन. स्टडी ऑफ टूथ प्रिंट इज कॉल्ड एस डमेटोग्लाइफिक्स एमिलोग्लाइफिक्स डेंटिनोग्लाइफिक्स सीमेंटोग्लाइफिक्स. एंड द करेक्ट आंसर इज एमिलोग्लाइफिक्स. स्टडी ऑफ द इनेमल रॉड एंड पैटर्न इज नोन एज एमिलोग्लाइफिक्स. ओके एमिलो मीन्स इनेमल एंड ग्लाइफिक्स मीन्स कार्विंग. ओके तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इनेमल इज द इनेमल रॉड. ओके दैट्स वाई इट इज यूज टू स्टडी ऑफ टूथ प्रिंट. ओके एमिलोग्लाइफिक्स. कोबल स्टोन अपीयरेंस सीन इन HSV2, HIV, डर्मेटाइटिस, हेपेटिफॉर्मिस, पायोस्टोमेटाइटिस, वेजिटेंस. तो कोबल स्टोन जो है वो मोस्टली किस में दिखाई देता है बाउल डिसीज में दिखाई देता है जैसे कि क्रोन्स डिसीज भी होती है जो एक बाउल डिसीज होती है. ओके बट इसमें ऑप्शन नहीं है और इसका करेक्ट आंसर होगा पायोस्टोमेटाइटिस वेजिटेंस. वाई बिकॉज इट इज़ अ इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज. ओके बाउल डिसीज होती है ये एंड यूजली प्रोसीड्स द डेवलपमेंट ऑफ द स्किन एंड और द माउथ प्रॉब्लम बाय मंथ्स और ईयर्स. ओके समटाइम्स हैव द वोवल प्रॉब्लम इन ओनली डायग्नोस्ड व्हेन इट इज लुक्ड फॉर द स्किन और माइक डायग्नोसिस. ये मोस्टली कब किस एज में होती है 20 to 50 ईयर्स की एज में होती है एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन इन मेल दैन द फीमेल. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा पायोस्टोमेटाइटिस वेजिटेंस होगा. इसका करेक्ट आंसर होगा बिकॉज कोबल स्टोन अपीयरेंस किस में दिखाई देता है बॉवल डिसीज में और ये एक बॉवल डिसीज है. ओके कोइलोसाइट्स आर सीन इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेट्रम एसिटिनिक केरेटोसिस वेरुक्सा वल्गैरिस स्क्वैमस पैपिलोमा. तो जो कोइलोसाइट्स हैं वो मेनली कैरेक्टराइज होती हैं बाय द पेरीन्यूक्लियर हेलोस सीन इन द हिस्टोलॉजिकल सैंपल. ओके एंड इट इज एसोसिएटेड विद द वायरल इन्फेक्शन और मोस्टली कौन सा वायरस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. ओके तो जो कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम होता है ये कॉज्ड होता है बाय द HPV इन्फेक्शन. HPV मीन्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. ओके इट इज कॉज्ड बाय द एंड कॉमन HPV टाइप्स में कौन कौन से होते हैं 6 and 11. तो कोइलोसाइट्स आर ऑफन सीन होता है इन कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम में तो ये इसका एक्सेप्शन नहीं होगा. वेरुका वल्गैरिस जो होता है ये ऑलरेडी कॉज्ड बाय द HBV इन्फेक्शन सो दिस इज नॉट द ऑप्शन फॉर दिस. एंड स्क्वामस पैपिलोमा एंड दीज आर बिनाइन एपिथीलियन ट्यूमर्स एंड इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द HPV इन्फेक्शन एंड ओनली एक्सेप्शन क्या होगा एसिटिनिक केरेटोसिस. ओके तो करेक्ट आंसर क्या होगा एसिटिनिक केरेटोसिस इज द करेक्ट आंसर होगा बिकॉज इट इज़ अ प्री कैंसरस लीजन कॉज बाय द सन डैमेज. ओके एंड वाइल कोइलोसाइटिस आर टिपिकली एसोसिएटेड विद द वायरल इन्फेक्शन सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज कोइलोसाइट्स आर सीन इन ऑल एक्सेप्ट क्या होगा आंसर एसिटिनिक केरेटोसिस बिकॉज इट इज़ अ प्री कैंसरस स्किन लीजन एंड इट इज कॉज्ड बाय द सन डैमेज. ओके ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेरियंट ऑफ डेंटिजरस सिस्ट एक्सेप्ट सेंट्रल लेटरल मीडियल और सर्कमफेरेंशियल. तो ये मैंने आपको शो किया हुआ है डेंटिजरस सिस्ट जो है उसके 3 वेरियंट्स होते हैं सेंट्रल लेटरल एंड सर्कमफेरेंशियल. सिर्फ एक नहीं है ऑप्शन में जो कि मीडियल. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज मीडियल. ओके सिंड्रोम एसोसिएटेड विथ क्रेनियोसिनोस्टोसिस मेंटल रिटार्डेशन एंड प्री एक्सियल पॉलीसिंडेक्टली ऑफ द फीट एंड पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कार्पेंटर सिंड्रोम स्ट्रक वेगबर सिंड्रोम मैक्लियोइड स्वायरजेम सिंड्रोम हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस. तो ये आपको फीचर्स शो किए हुए हैं कि क्रेनियोसिनोस्टोसिस या मेंटल रिटार्डेशन एंड प्री एक्सियल पॉलीसिंडेक्टोलिस ऑफ द फीट एंड
पटेलर डिस्प्लेसमेंट, इनमें से किस सिंड्रोम के फीचर्स हैं? ओके, तो इसका आंसर होगा कारपेंटर सिंड्रोम जो है, इट इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज बाय द प्री मैच्योर फ्यूजन ऑफ सर्टेन स्कल बोन्स. ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो स्कल बोन है प्री मैच्योरली फ्यूज हो जाती है. ओके, एंड एबनॉर्मेलिटीज भी शो करती है फिंगर्स एंड टोज में, और अदर डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं इसमें. ओके, तो ये जो क्रेनियो सिनोस्टोसिस जो होता है वो एक्चुअली क्या करता है कि स्कल को ग्रो नहीं होने देता है नॉर्मली, और इसके कारण जो है अपियरेंस में भी हेड एंड उसमें हेड जो है वो पॉइंटेड शो होता है, मीन्स जिसे कहते हैं एक्रोसिफैली. तो उसके कारण जो है जो शो होता है मतलब फीचर्स अपियरेंस होता है वो भी सही नहीं होता है. ओके, और ये मोस्टली क्यों होता है, म्यूटेड जीन्स कॉजेस कारपेंटर सिंड्रोम एंड दे आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट. ओके, तो ये किसके कैरेक्टरिस्टिक होंगे, कारपेंटर सिंड्रोम के. फर्स्ट रेडियोग्राफिक साइन ऑफ ऑस्टियोमायलाइटिस, ब्लरिंग ऑफ ट्रेबिक्यूली, वाइडनिंग ऑफ पीडियल, लॉस ऑफ वस्कुलैरिटी, सब पेरियोस्टल बोन फॉर्मेशन. तो फर्स्ट रेडियोग्राफिक साइन क्या होगा ऑस्टियोमायलाइटिस का, सब पेरियोस्टियल बोन फॉर्मेशन. ओके, ये इसका रेडियोग्राफिक साइन होगा. तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन द पेरियोस्टियम, जिसके कारण क्या होता है कि न्यू बोन फॉर्मेशन हो जाता है बेनिथ द पेरियोस्टियम. ओके, एंड इसके बाद क्या होता है ट्रेबिक्यूली, फिर ब्लरिंग ऑफ ट्रेबिक्यूली, लॉस ऑफ वैस्कुलैरिटी और चेंजेस इन द बोन स्ट्रक्चर ड्यू टू डिस्ट्रक्शन, ये सब बाद में आते हैं. बस फर्स्ट साइन क्या होगा, सब पेरियोस्टियल बोन फॉर्मेशन. ओके, सिल्वर टैटू इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्वर अमलगम इन बोन, डिपोजिशन ऑफ सिल्वर अमलगम इन जिंजाइवा, डिपोजिशन ऑफ सिल्वर अमलगम इन म्यूकोसा, डिपोजिशन ऑफ सिल्वर अमलगम इन डेंटिन. एंड द करेक्ट आंसर इज सिल्वर टैटू इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्वर अमलगम इन म्यूकोसा. एक्सरे इन इज प्रोड्यूस्ड इन एनोड, कैथोड, ग्लास बॉल, मॉलिब्डेनम फोकसिंग कप. एंड द करेक्ट आंसर इज एनोड. ओके, तो कैथोड क्या होता है, द फिलामेंट दैट कॉजेस थर्मियोनिक एमिशन. ओके, और एनोड क्या होता है, अ फ्लैट डिस्क मोड ऑफ टंगस्टन दैट ड्रॉज द इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस द ट्यूब. ओके, सो एक्सरे इज प्रोड्यूस्ड इन एनोड. ऑपरेटर शुड स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच वाइल टेकिंग अ रेडियोग्राफ, 10 feet, 12 feet, 16 feet और 6 feet. एंड द करेक्ट आंसर इज 6 feet. द ऑपरेटर शुड स्टैंड मिनिमम ऑफ 6 feet फ्रॉम द पेशेंट एट द एंगल ऑफ 90 to 135 degree फ्रॉम द पेशेंट और बिहाइंड और बैरियर. ओके, क्लेविकल इज एबसेंट इन क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, अपर्ट सिंड्रोम, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्लेविकल क्या होता है, इट इज़ द फर्स्ट बोन इन द बॉडी टू ऑसिफाई. ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि क्लेविकल जो है इट इज़ द फर्स्ट बोन इन द बॉडी टू ऑसिफाई एंड इट ऑसिफाई फ्रॉम द टू प्राइमरी सेंटर्स एंड वन सेकेंडरी सेंटर. ओके, और ये किस में एबसेंट होती है, किस डिसीज में, द करेक्ट आंसर इज क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस, क्लेविकल इज एबसेंट इन क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि क्लेविकल जो है इट इज़ द फर्स्ट बोन इन द बॉडी टू ऑसिफाई. अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.